तो आज हम लोग करेंगे मीटर ब्रिज के बारे में। कल हम लोग डिस्कस किए थे क्या था टॉपिक कल का बेटे, कल का हम लोग का टॉपिक उसके पहले पोटेंशियोमीटर था, कल क्या था सेल कॉम्बिनेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। उसमें हम लोग क्या देखे थे कि सेल कॉम्बिनेशन में टू टाइप्स के सीरीज और पैरेलल, यदि सीरीज में सेल्स रहते हैं सेल्स का अपना इंटरनल रेजिस्टेंस E1, E2 लाइक दैट R1, R2 इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा E1+E2। ध्यान देना क्या है, नेगेटिव पोलारिटी पॉजिटिव से कनेक्ट होना चाहिए, सीक्वेंस सेम रहना चाहिए। यदि पोलारिटी बदलती है किसी का उल्टा रहता है तो सबसेक्शन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए फॉर सेम प्रॉब्लम ये E1, E2 यहाँ पर E इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा E1, जो बैटरी को सेल को पलटे हैं वो उसके साथ माइनस साइन, नेगेटिव नेगेटिव से यदि ये उसका अपोजिट -E2 हो जाएगा। ठीक है, यदि पोलरिटी पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव सीक्वेंस में रहेगा तो एडिशन, और बीच में कोई भी सेल अपोजिट पोलरिटी में आ जा रहा है तो वो सबस्ट्रैक्शन सेम पोलरिटी में। नहीं नहीं नहीं, ये कहने सीक्वेंस कैसे है, ये जो पॉजिटिव नेगेटिव फिर नेगेटिव पॉजिटिव सेल कैसे कनेक्ट हो रहा है ये बात हो रही है। सेम पोलरिटी पॉजिटिव नेगेटिव फिर पॉजिटिव नेगेटिव फिर नेगेटिव पॉजिटिव राइट, बीच में कोई भी सेल इस तरह से रहा है पॉजिटिव नेगेटिव फिर नेगेटिव पॉजिटिव, तो यहाँ इसकी पोलरिटी अपोजिट हो गई, क्या सीक्वेंस चल रहा पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव हो गया अपोजिट पोलरिटी राइट। तो जो अपोजिट आएगा उसमें माइनस साइन लगा देंगे, रेजिस्टेंस सेम रहेगा दोनों केसेस में, रेजिस्टेंस में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, रेजिस्टेंस सेम रहेगा। पैरेलल में होगा तब पैरेलल के लिए क्या देखे थे हम लोग, इस तरह से E1 मान लीजिए ये R1 रेजिस्टेंस दिया हुआ है, E2 I2 R2 AB राइट। तो यहाँ भी ध्यान देना, देखो सारे सेम पोलारिटी पे, प्लस प्लस एक साइड माइनस माइनस एक साइड, ठीक है। तो R इक्विवेलेंट जो हम लोग पैरेलल रेजिस्टेंस के लिए जानते हैं वो सेम, R इक्विवेलेंट इससे क्या हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट, जो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए रहता है वही सीरीज में भी वही सेम, रेजिस्टेंस में कोई चेंजेस नहीं आएगा पोलारिटी बदलने से, पोलारिटी बदलने से रेजिस्टेंस में कोई चेंजेस नहीं आएंगे राइट। अब यहाँ पर एक कब क्या देखे थे हम लोग बेटे, E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट लास्ट में जो किए थे, E1 अपॉन R1 E2 अपॉन R2, ठीक है। यहाँ से R इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, उसके बाद ये मालूम मालूम ये भी मालूम ये भी मालूम ये भी मालूम सारे रख कर इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, ये सबसे बेस्ट ट्रिक। इससे पहले भी एक हम लोग क्या पढ़े थे इक्विवेलेंट वाला देखना बेटे, E1 R2 A2 R1 / R1+R2, दो सेल रहे तो इट्स ओके, तीन सेल में समस्या पैदा करता है, इसीलिए सबसे बेस्ट टेक्निक यही है, सबसे बेस्ट टेक्निक यही है। फिर लेक्चर कल का देख लो अच्छी तरह से, नीचे R1+R2 होगा R1+R2 एक बार देख लेना उसको, ठीक है। पैरेलल में इक्विवेलेंट निकालने का ये तरीका है, ये सबसे बेस्ट है, इसको ये यूज करोगे तो ये दो सेल है, एक सेल और बढ़ जाता तब ये समस्या करेगा, फिर यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं, तीन सेल भी रहेंगे चुपचाप ऐसे कंफ्यूजन आया तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लिखिए, किरचॉफ्स बेसिक पे चले जाइए,
बेसिक इक्वेशन, ये जो ये सारे कहाँ से आए हैं, क्या किया गया, एक बैटरी यहाँ कनेक्ट कर दिया गया जो VAB के बराबर है। पैरेलल में किरचॉफ्स करंट लॉ, पैरेलल में किरचॉफ्स करंट लॉ, सीरीज में किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाते हैं। पैरेलल में क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम, करंट डिफरेंट, यहाँ करंट I आया, ये I1 गया, ये I2 गया, राइट। अब I1 I2 निकाल लेंगे तो I इक्वल टू क्या है, I1 प्लस I2, सारा कल बताया। वो दोनों बैटरी का भी तो करंट होगा, बैटरी का कोई करंट नहीं होता, बैटरी करंट होता है हमेशा, बताया था ना मैं, बैटरी हमेशा क्या करता है, करंट को कैरी करता है, एक साइड से दूसरे साइड जम कराएगा, बूस्टर जैसा काम करेगा, तो वो अपना अपना करंट नहीं, बैटरी का कोई अपना करंट नहीं होता है, बैटरी सिर्फ वोल्टेज प्रोवाइड करेगा, रेजिस्टेंस के कारण करंट आएगा, रेजिस्टेंस के कारण करंट फ्लो होगा। V इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ, बैटरी कभी भी करंट नहीं देता, बैटरी बताया था ना स्टार्टिंग में, बैटरी क्या करता है, इधर से करंट आया जो थक गया, अब यहाँ पे थक गया, इसको एनर्जी प्रोवाइड करके इस करंट को आगे फॉरवर्ड कर लेता, प्रोवाइड एनर्जी, सेल हमेशा एनर्जी प्रोवाइड करेगा इलेक्ट्रॉन फ्लो को, जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते करते आ रहा जो थक गया उसको एनर्जी देगा, बैरियर को पार कर गया। तो कभी भी बैटरी क्या है, करंट नहीं, बैटरी गिव्स एनर्जी किसको, इलेक्ट्रॉन को, क्लियर बेटे, राइट। हम लोग ऐसे ले मैंने ऐसा बोलते हैं करंट आई निकला, लेकिन रियल में बैटरी क्या देगा, एनर्जी प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रॉन को, फ्लो को। ऐसे यदि ये बैटरी नहीं रहता, यहाँ मान लो स्पीड कम हो गया इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का स्पीड कम क्यों ना, बीच में रेजिस्टेंस बहुत सारे हैं, जिसके अंदर E2 के दोनों तरफ पोटेंशियल डिफरेंस है VAB, हाँ, तो उससे भी तो बैटरी निकाल सकते हैं। ये क्या करें, ये देखो करंट आ गया है, गए ये गया है, पास बैटरी कभी दिमाग से निकाल लो, बैटरी नेवर गिव्स करंट, ब्रांच में करंट होता है। और यहाँ घर में सब जगह 220 वोल्ट है, अप्लायंस जब लगाओ तब ना उसमें करंट फ्लो होगा, पावर प्लग में क्या रहता है 220 वोल्ट, जब प्लग खोजिएगा, गीजर लगाइएगा, आयरन लगाइएगा, जब तक कोई अप्लायंस नहीं लगाइएगा तब तक उसमें वो तो सिर्फ वोल्टेज प्रोवाइड किया, और जैसे ही कोई अप्लायंस पर लगाते हैं तो अब उसके बाद वो अप्लायंस के थ्रू करंट फ्लो होता है, वो कभी नहीं देगा आपको करंट, वो सिर्फ वहाँ वोल्टेज दे दिया, राइट बेटे, क्लियर। तो कल ये बताया हूँ कि इस तरह से हम लोग क्या है, आई इक्वल टू आई वन प्लस, आई वन प्लस आई टू, आई वन निकाल लेंगे, यहाँ पर क्या वोल्टेज है वी ए बी, इसको यदि जीरो मान लेते हैं, ये जीरो वोल्ट, राइट। तो अपना क्या हो गया, वी ए बी वोल्टेज इस टर्मिनल पर, लिखो लूप इक्वेशन, चाहे लूप इक्वेशन इसी में पूरा में लिख दो, ये लूप हो गया ना, स्टार्ट करो यहाँ से, ये क्या हो गया वोल्टेज ई वन से वोल्टेज ड्रॉप माइनस ई वन, फिर रेजिस्टेंस है करंट सेम डायरेक्शन आई वन आर वन, फिर ये फिर आगे बढ़े वोल्टेज इंक्रीज प्लस बी ए बी इक्वल टू जीरो, दोनों को उधर भेज दो, हमें निकालना आई वन, ये दोनों टर्म को उधर भेज दिए, चाहे इसको भेज देते हैं आई वन आर वन, बी ए बी माइनस ई वन, व्हाट इज आई वन, बी ए बी माइनस ई वन अपॉन आर वन, उसी तरह से आई टू निकाल लेंगे, ये दोनों को इसे पुट कर लेंगे, तब ये इक्वेशन उस तरह से इक्वेशन आपका इस फॉर्म में आएगा, बी इक्वल टू बी ए बी इक्वल टू आ जाएगा आई आई आर, ये क्या था बेटे, बी इक्वल टू आई आर प्लस आई आर प्लस बी इक्वेलेंट, थोड़ा चेक करो तो पिछला वाला नोट कल का, कौन सा फॉर्म है, एक मिनट मैं देख लेता हूँ, एक जनरल फॉर्म आया था, हाँ और अच्छा याद करने का जो ये था, इस तरह से मेरे को बी हमेशा ये आर इक्वेलेंट उसके जगह पर मान लीजिए जो भी आर इक्वेलेंट आ गया, ये भी हो गया,
ठीक है। और अच्छा इक्विवेलेंट मान लेते हैं बीच में, ये इक्विवेलेंट हो गया, इस पूरे सर्किट को रिप्लेस कर दिए इक्विवेलेंट के फॉर्म में, तो लास्ट मेरा इक्वेशन का क्या रहेगा, इस फॉर्म में आएगा, ये जो प्लस माइनस ये भी वोल्टेज इंक्रीज माइनस इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू जीरो। तो फाइनल जो एक्सप्रेशन इस तरह से आना चाहिए, इक्विवेलेंट प्लस आई आर इक्विवेलेंट, ये जब इसमें पुट करेंगे वैल्यू तो ठीक है। ये सारा कल का लेक्चर से आप लोग देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। अब आज चले हम लोग मीटर ब्रिज, लेक्चर नंबर 15, आज का अपना टॉपिक है मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज बेसिकली क्या है, एक इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट है जो रेजिस्टेंस को, अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करता है। ये किस तरह का है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। इसका काम क्या है, टू मेजर द अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करता है। पोटेंशियोमीटर जो पड़े थे अननोन सेल्स को मेजर करता था, दो अननोन सेल्स को कंपेयर करते थे, वहाँ भी कॉन्सेप्ट क्या, नल डिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट यूज करते थे। नल डिफ्लेक्शन मीन्स गैल्वेनोमीटर से कोई करंट का फ्लो नहीं होना चाहिए, जो कि सर्च करता था कहाँ पर आपका पोटेंशियल किस पॉइंट पर रखें कि गैल्वेनोमीटर से कोई करंट का फ्लो नहीं हो। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी यूज करेंगे व्हीट स्टोन ब्रिज, वहाँ भी व्हीट स्टोन ब्रिज का ही यूज किए थे, यहाँ भी व्हीट स्टोन ब्रिज का ही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। टू मेजर दी अननोन रेजिस्टेंस क्या है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है। दूसरा काम क्या है, टू मेजर अननोन रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करता है। किस कॉन्सेप्ट पे बेस करता है, कैसे मेजर करते हैं, क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, हम लोग यहाँ पर व्हीट स्टोन ब्रिज के कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। इट वर्क्स ऑन बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज के कॉन्सेप्ट पर हम लोग इसको, व्हीट स्टोन ब्रिज क्या था अपना, चारों बांह में रेजिस्टेंस जोड़ दीजिए, ये टर्मिनल ए, ये टर्मिनल बी, सी डी को हम लोग एज्यूम कर सी, ये गैल्वेनोमीटर हो गया, राइट। तो यहाँ पर हम लोग क्या है, कंडीशन क्या अप्लाई कर देते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज में, वोल्टेज एट सी इक्वल टू वोल्टेज एट डी, सी और डी दोनों जब पोटेंशियल सेम है, इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते थे। वोल्टेज सेम होने के कारण क्या होगा, गैल्वेनोमीटर से कोई करंट का फ्लो नहीं होगा, कोई करंट का फ्लो नहीं होगा। और इस कंडीशन को यूज करके हम लोग क्या देखे थे कि आर वन इसको दे दें, इसको आर टू आर थ्री आर फोर, आर वन अपॉन आर टू इक्वल टू आर थ्री अपॉन आर फोर, यही आया था व्हीट स्टोन ब्रिज का बैलेंस रेशियो, आर वन अपॉन आर टू इक्वल टू आर थ्री अपॉन आर फोर। किस कंडीशन पे, जब पोटेंशियल एट पॉइंट सी और डी, सी और डी नोड पर दोनों जगह पोटेंशियल सेम होगा, तब हम नल डिफ्लेक्शन कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। पोटेंशियल सेम हो गया, कोई करंट फ्लो नहीं, करंट इज नो करंट फ्लो, जो करंट आया गया इधर, जो करंट आया गया इधर, ये दोनों रेजिस्टेंस में आ जाते थे, सीरीज में आ गए, ये दोनों सीरीज में आ गए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते थे। तो कंडीशन से हम लोग का लाइन कंडीशन क्या होना चाहिए व्हीट स्टोन ब्रिज के लिए, बैलेंस व्हीट स्टोन के लिए, ये दोनों का रेशियो इक्वल टू दिस, ये दोनों का रेशियो, तभी हम व्हीट स्टोन ब्रिज के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे, ठीक है।
आज वही काम इसमें भी हम लोग इस कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हैं। इट वर्क्स ऑन बैलेंस विथ ए स्टोन ब्रिज, इट वर्क्स ऑन बैलेंस विथ ए स्टोन ब्रिज, इट वर्क्स ऑन बैलेंस विथ ए स्टोन ब्रिज। चले आप इसका देखें कैसा डायग्राम है। बोर्ड एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, एक क्वेश्चन एक नंबर का करके डेट और आप लोग के कम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछ सकता है। तो नाम क्या है? मीटर। मीटर का मतलब एक मीटर वायर को ही कंसिडर करना है। देखो फिजिक्स में क्या केमिस्ट्री बहुत सारे कॉन्सेप्ट नाम से ही क्लियर है। मीटर कहने का मतलब एक मीटर वायर कंसिडर करेंगे हम लोग पहले, जिसके आपके यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया रहेगा। एक मीटर करने का मतलब 100 सेंटीमीटर लेंथ का, यही मान लीजिए कॉपर वायर, ऐसा वायर कंसिडर करना है जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो, टाइम ये कौन कौन सा आता है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट अपना बताए थे, मैग्निन और कॉन्स्टेंटन, ये दोनों क्या है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। एल वाई माइक्रोन भी है। तो किस तरह का वायर लेना है जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, क्यों ले रहे हैं? टेम्परेचर यदि डिपेंडेंट रहेंगे तो रेजिस्टेंस के वैल्यू इसका चेंज करेगा, हमें रेजिस्टेंस के वैल्यू इसका चेंज नहीं करना है वायर का, इसलिए ऐसे एल वायर का लेंगे जिसको जो कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो। और लेंथ कितना ये रहेगा? 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर। पोटेंशियोमीटर में जैसे हम लोग कंसिडर करते थे एल लेंथ इनफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, यहाँ वहाँ लेंथ एल था वो फिक्स नहीं दिया होता, लेकिन यहाँ पर लेंथ फिक्स है, लेंथ जो फिक्स है 100 सेंटीमीटर या वी कैन से 1 मीटर, जिसका इनफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया रहेगा और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट रहेगा। ठीक है बेटे, तो मीटर से ही क्लियर है, ये दिमाग में रखिए कि हमेशा वायर का लेंथ 100 सेंटीमीटर ही रहेगा, वो दिया नहीं रहेगा, तो हमेशा इसका 100 सेंटीमीटर लेंगे। इनफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया लेंगे, इनफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया में कंसीडर करेंगे जिसका कि लेंथ 100 सेंटीमीटर। अरे राइट बेटे, तो लेंथ हमेशा क्या कंसीडर करेंगे 1 मीटर और वी कैन से 100 सेंटीमीटर, ये ध्यान रखना है। पोटेंशियोमीटर में कोई ऐसा फिक्स नहीं दिया था, एल लेंथ कंसीडर करते थे। अब क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग, यहाँ पर एक मेटल स्ट्रिप लेंगे, किसी तरह का मेटल ले सकते हैं, कॉपर का सिल्वर का एनीवन मेटल स्ट्रिप, कॉपर का ले लिए, एनीवन यू कैन टेक मेटल। ठीक है, उसी तरह का इसी तरह का यहाँ भी एक प्लेट इसी तरह का स्ट्रक्चर का बनाएंगे और बीच में भी मेटल स्ट्रिप लेंगे, सारे सेम कॉपर का लें, कॉपर लीजिए एल्यूमिनियम लीजिए, मेटल क्यों लेंगे इससे करंट फ्लो हो सके, दैट्स वाई। ठीक है, बीच वाला मेटल से हम क्या करेंगे गैल्वेनोमीटर को अटैच कर देंगे और ये जॉकी यहाँ पर जो कि रॉड लिए 100 सेंटीमीटर का कॉपर वायर, ये जॉकी फिक्स रहेगा बीटे स्टोन ब्रिज वाला कॉन्सेप्ट पर। अब देखेंगे जहाँ पर पोटेंशियल जीरो रहेगा वहाँ पर जॉकी का पॉइंट एरो मार्क रुक जाएगा, तो यहाँ सर्च करेंगे इसको, ये वायर जैसे रहेगा जहाँ रखिए ये मूव करते रहेगा, करते करते आपको वो पॉइंट ढूंढना है जहाँ पर पोटेंशियल यही गैल्वेनोमीटर से नो डिफ्लेक्शन शो करे, राइट। और इसको लेंथ को मेजर करने के लिए एक स्केल नीचे में लगा देते हैं कि जहाँ पर जीरो होगा इसी स्केल से मेजरमेंट हो जाएगा मेरा, इस स्केल से ये मेजरमेंट हो जाएगा कितने कहाँ पर जीरो शो कर रहा है गैल्वेनोमीटर से रीडिंग, नो डिफ्लेक्शन। अच्छा, अब क्या करेंगे, हमें करना क्या है अननोन रेजिस्टेंस मेजर करना है। क्या करना है, तो ये दोनों पॉइंट के बीच में हम एक अननोन रेजिस्टेंस ले लेते हैं आर। ठीक, अब यहां पर एक नोन रेजिस्टेंस, यहां पर नोन लेंगे, ये मालूम है
कहीं कहीं इसको वर्ड यूज करता है रेजिस्टेंस बॉक्स, बॉक्स से कोई भी नॉन रेजिस्टेंस लगा लीजिए, तो एज ए लेमैन वी कैन से ये नॉन रेजिस्टेंस रहेगा, आर एस इसको दे देते हैं, आर एस नॉन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बॉक्स, यानी ये वैल्यू नॉन है, ये मालूम है, ये रेजिस्टेंस के वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब भाई बैटरी भी लगाना हुआ तभी तो करेक्ट रहेगा, वोल्टेज सप्लाई देंगे तभी तो इस रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट फ्लो करेगा। तो क्या किए हमने, ये ए मान लिए, इसको बी मान लिए, इस पर पॉइंट से हम बैटरी, बैटरी बोलने का मतलब नंबर ऑफ सेल्स एक से ज़्यादा, राइट, ये पॉजिटिव ये बढ़ा दो और इसको इस टर्मिनल से जोड़ दिए। अब जो करेंट का फ्लो का डायरेक्शन इसको मान लेते हैं, ई वोल्टेज है, ये रास्ता ये आया इधर भी जाएगा, ऐसे ऐसे जाते हुए इधर रिटर्न, दूसरा मेटल वायर लिए हैं ये भी इधर से भी जा सकता है, दोनों रास्ते हैं, ठीक है। यहाँ से करंट चला, एक तो रास्ता ये फॉलो करते हुए निकल गया, दूसरा क्या है पाक, ये आया मेटल स्ट्रिप से होते हुए, जो हम वायर कंसीडर किए हैं एल वायर, उससे होते हुए बैटरी के पास पहुँच गया, ठीक है। अब क्या ध्यान देना है यहाँ पर, कॉन्सेप्ट क्या यूज कर रहे हैं हम लोग, व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हैं। मान लेते हैं कि एक्स डिस्टेंस पर गैल्वेनोमीटर से डिफ्लेक्शन जीरो आ गया, एक्स डिस्टेंस पर गैल्वेनोमीटर नो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, तो ये कितना बच गया, 100 माइनस एक्स, राइट। ये ध्यान देना हमेशा 100 सेंटीमीटर ही रहेगा, ये नहीं दिया जाएगा, सिर्फ देगा नॉन रिफ्लेक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, आप खुद समझ जाइए कि 75 सेंटीमीटर का हो गया। अच्छा अब है, अब क्या ध्यान से देखें, ये जो मीटर हम लोग वायर लिए हैं, जो वायर लिए हैं 100 सेंटीमीटर का है, ठीक है, तो या इसका रेजिस्टेंस हम लोग क्या लिए हैं, इनफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, तो मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल आर क्या है, स्मॉल आर रेजिस्टेंस ओम पर, आर क्या है रेजिस्टेंस ओम पर ये मीटर, यानी एक मीटर का लेंथ का रेजिस्टेंस कितना हो गया इस वायर का, आर ओम, इसका मतलब क्या हो गया, इफ आई एम राइटिंग, ये जो वायर लिया 100 सेंटीमीटर का वो क्या है, एक मीटर में आर ओम रेजिस्टेंस बता रहा है, वायर कौन सा रिपेयर होता है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, और वो लेड कॉपर, कॉपर मेटल कोई भी ले सकते हैं, कोई भी कॉपर, ज्यादा पैसा सिल्वर लगा दो, गोल्ड लगा दो, एनीवन यू कैन टेक, अंबानी लोग गोल्ड लगा देंगे, पीएम गोल्ड लगा देगा, हम लोग भाई सस्ते में निकालेंगे कॉपर पे ही, ठीक है, राइट। अब ये जो वायर लिए हैं इसका क्या कंसीडर किए, एक मीटर में कितना आर ओम, ठीक है, या 100 सेंटीमीटर ले रहे तो सेंटीमीटर यहाँ डाल लेंगे, एक सेंटीमीटर में कितना रेजिस्टेंस है आर ओम। अब चलो ध्यान से देखो बेटे, ये थोड़ा सा ध्यान दो, अब क्या ये अननोन रेजिस्टेंस है, इसको थोड़ा सा डायग्राम को देखें तो भी टेस्ट ब्रिज जैसा ही जाएगा, ये आर हो गया, ठीक, ये पॉइंट मेरा सी, दैट पॉइंट इज सी, ये फिर ये बी टर्मिनल है अपना, ये देखो बीच में कोई रजिस्टेंस, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी ये यहाँ भी ये, राइट, यहाँ पर आप आ गया आर एस, आर एस, ठीक। अब चले ये एक्स लेंथ है तो रेजिस्टेंस कितना इसका हो जाएगा, स्मॉल आर इंटू एक्स, एक सेंटीमीटर का आर माना है स्मॉल आर, ये डी पॉइंट पे पहुंच गया, ये डी पॉइंट मान लेते हैं, राइट। अब ये कितना हो जाएगा रेजिस्टेंस इसका, 100 माइनस एक्स इंटू स्मॉल आर, और बीच में ये देखो सी से डी के बीच में गैल्वेनोमीटर लग गया, देखो टू कॉपी व्हीटस्टोन ब्रिज आ गया, नो डिफ्लेक्शन, यहाँ भी कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, तो यहाँ भी अब क्या होगा भाई, यूज कर लेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, निकालना है ये रेजिस्टेंस आर, तो वाट क्या हो गया मेरा, आर अपॉन आर एक्स इक्वल टू आर एस, आर एस देखो नोन है,
100 माइनस x इंटू आर, ये आर आर उड़ गया, सॉरी आर आर उड़ गया, क्या आ गया मेरा रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस, r इक्वल टू x अपॉन 100 माइनस x इंटू आर एस। ठीक है बेटे, तो मीटर ब्रिज का फॉर्मूला यही आ गया अननोन रेजिस्टेंस का, और याद करने की इसकी कोई जरूरत नहीं, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, अननोन रेजिस्टेंस निकल जाएगा। ठीक है, चलो कुछ इस पर प्रॉब्लम कर ले हम लोग, फॉर्मूला कितना फॉर्मूला याद करोगे, ऊपर से मिट रहा हूँ, डायग्राम हो गया है, कॉपी आप निकाल लीजिए प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए फटाफट। पहले सिंपल प्रॉब्लम देखें, यहाँ दिया हुआ कि नल पॉइंट 40 सेंटीमीटर, यानी ये हमेशा इसको समझिएगा ये इनिशियल पॉइंट है, वो फाइनल पॉइंट है, यानी इस साइड से मेजरमेंट हो रहा है, इस साइड से ही मेजरमेंट हो रहा है ऑलवेज। ठीक है, क्योंकि इसके लिए रखा हुआ है, अब ये नहीं दिया रहा कि लिखने का मतलब नल पॉइंट इज फाउंड एट 40 सेंटीमीटर, मीन्स यू अंडरस्टैंड कि ए पॉइंट से 40 सेंटीमीटर, ये क्या बच गया 60 सेंटीमीटर, राइट। अब इसका करता है फाइंड दी वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस आर, फाइंड दी वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस विद द स्टेटमेंट दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, ये दोनों पैरेलल में है, 2-4 का कितना हो जाएगा 1/2 + 1/4, 2 4 2 3, 1/2 1/4, 4 LCM, 8/2 2 4 3 3/4 4/3। ठीक है, हाँ 4/3, राइट, हाँ वो कट के आ जाएगा 8/3, तो कितना हो गया ये दोनों का 3/4 ओम, दिस अपॉन दिस, इसको स्मॉल आर मानो तो दोनों कट ही जा रहे थे, स्मॉल आर, तो वी कैन राइट 3/4 डिवाइडेड बाई 40 R अपॉन 60। अब इसको सॉल्व कर देना, ये उड़ा दो, 2 3 2 2 और 3/4 इंटू 2, इधर 3 गया इक्वल टू R, R इक्वल टू 9/8, एक बार देख लेना बेटे, 0 0 उड़ा दिए, 2 2 2 3 3/4 नीचे में पहले से 2 है, ये 3 इधर न्यूमरेटर में लेके आ गए, 9 9/8 ओम, 9/8 ओम, 9/8 ओम। सर अब रेजिस्टेंस आर इक्वल निकाल के उसको पलटे नहीं, और वो ओहो कितना था 4/3, राइट, 4/3 यहाँ कर दो, 4/3 तब सारा कैलकुलेशन चेंज हो जाएंगे, 4/3 डिवाइडेड बाय 40 इक्वल टू आर अपॉन 60, ये हो गया 3 2, आर इक्वल टू 4/3 इंटू 2 इंटू 3 हो गया 2 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है बेटे, मिटाऊं मैं।
नेक्स्ट प्रॉब्लम टू फोर ट्वेल्व, उसके बाद राइट अब यहाँ पर दिया हुआ है नल पॉइंट नल रिफ्लेक्शन फाउंड एट 25 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस आर, फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस आर करना क्या है, इसका पहले इक्विवेलेंट निकाल लीजिए, पैरेलल में है कितने आ गया बेटे, टू फोर ट्वेल्व 1, 2, 6, 2, 1, 3, 12, एलसीएम 12 आ गया, 2, 6 जा 4, 3 जा 1, 6, 3, 9, 10, 10 by 12 प्लस 2, 12 by 10, 6 by 5 देख लेना बेटा कैलकुलेशन, ये आ गया सारा रिप्लेस होकर 6 by 5, दिस अपॉन दिस आर का वैल्यू निकल गया 6/5 × 25 R/75 25 3 जा R=18/5 ओम, ठीक है ना बेटे कैलकुलेशन। नेक्स्ट प्रॉब्लम एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये पहले मीटर इसके मीटर ब्रिज बना ले हम लोग, कहीं भी बैठे ऊपर कनेक्ट करें नीचे करें बात बराबर ही है, कोई अंतर नहीं। ये यहाँ पर एस रेजिस्टेंस का नहीं मतलब नोन रेजिस्टेंस दिया हुआ है राइट, आर अननोन, कोई जरूरी नहीं, पिछले डायग्राम ओरिजिनल में हम लोग इधर आर लिए थे, इधर एस चेंज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ए नल पॉइंट इज ऑब्जर्व एट null point is observed at 40 centimeter if a 2 ohm resistance if 2 ohm resistance is added in is added in parallel to parallel to S the null deflection point is shifted to 25 centimeter, find the value of R and S, find the value of R and S, क्या दे रहा है, null point is observed at 40 centimeter, initially ये गैलोमीटर बना दिए जी, शिफ्टेड टू 25 सेंटीमीटर हाँ मतलब बढ़ा या घटा है, शिफ्टेड यानी ये की शिफ्ट कर गया
यानी हम मेजरमेंट हमेशा यहाँ से, ये अब दिया नहीं रहेगा, मेजरमेंट ऑलवेज फ्रॉम ए, यानी ए से 25। इनिशियली पहला क्या दे रहा है 40 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से इक्वेशन लिख लें, पहले क्या होगा एस अपॉन 40, ये 60 हो गया, एस अपॉन 40 इक्वल टू आर अपॉन 60, यहाँ से ये 0 0 आ दो, ये 2 3, एस और आर में क्या रिलेशन आ गया, 3s इक्वल टू 2r, 3s इक्वल टू 2r। अब आगे क्या कर रहा है, 2 ओम रेजिस्टेंस इज एडेड इन पैरेलल, इसके पैरेलल, इसके पैरेलल 2 ओम रेजिस्टेंस ऐड कर दे रहा है, 2 ओम, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अब कितना हो गया, 2s अपॉन s प्लस 2, दोनों पैरेलल में आ गए, ठीक है ना, 2s डिवाइडेड बाय s प्लस 2। अब ये क्या हो गया 25 सेंटीमीटर, दूसरा वाला 75, रेशियो लिखेंगे 2s अपॉन s प्लस 2 डिवाइडेड बाय 25, और उधर क्या हो गया r अपॉन 75, 25 थ्री जा, ठीक है, तो यहाँ पर r के जगह पर वैल्यू रख देते हैं, ये 3/2 s और नीचे में 3 है, ठीक है बेटे, देख लेना r का वैल्यू क्या हो गया 3/2 s, और नीचे में पहले से 3 है, 3 आ गया, 3 उड़ गया, और इधर देख लें क्या है 2s अपॉन s प्लस 2, राइट इधर आ गया s बाई 2, s s उड़ा भी सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, ये कितना आ गया 4s प्लस 2, s इक्वल टू 2 ओम, अब एस 2 ओम आ गया तो आर यहाँ पुट कर देंगे, 2 उड़ जाएगा 3 ओम, ठीक है बेटे, क्लियर, समझ में आ गया, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, डिस्टेंस 25 नीचे 25 होगा, हाँ 25 दिया ना, शिफ्टेड टू 25 ये रहा ना, इफ 2 ओम रेजिस्टेंस इज एडेड इन पैरेलल टू एस, ये नहीं कि पहले 40 था तो 25 शिफ्ट हो गया, ना 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 वो चीज नहीं, वो चीज नहीं, हम भी यही सोचे थे, शिफ्टेड मींस ये, यानी ये जॉकी जो है 25 पे, इधर से 25 पे आ गया, ठीक है ना, इसमें यही ध्यान रखना है, जो तुम सोचे थे हम भी वही सोचे थे कि 40 से शिफ्ट हो गया 25 तो 15 आ गया, नहीं, यानी मेजरमेंट हमको यहाँ से नहीं है, मेजरमेंट ऑलवेज फ्रॉम ए पॉइंट, जैसे वैसे सोचेंगे तो मेजरमेंट इधर से हो गया ना 25, शिफ्टेड टू 25, तो मेजर फ्रॉम दिस पॉइंट 25, नहीं मेजरमेंट हमेशा यहाँ से रखना है, ठीक है बेटे, अब इसी में थोड़ा सा एक और क्या है, ये तो सीख गया भाई कैसे हम नॉन रेजिस्टेंस निकालेंगे, इसी में एरर का कॉन्सेप्ट भी पकड़ना है, जो रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट किए ये हो सकता है स्लाइटली उसमें एरर रहे, तो एरर के से रिलेटेड प्रॉब्लम को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, कहेगा कितना एरर है, स्लाइटली वहाँ भी कॉन्सेप्ट है उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं, क्यों उसको थोड़े हम लोग सारे इतना जब मेहनत कर रहे हैं एक चीज पर, तो नेक्स्ट अपना जो रेजिस्टेंस यहाँ मेजर किए हैं बैलेंस ब्रिज मीटर ब्रिज से, मीटर ब्रिज से, क्योंकि अब एरर क्यों आ रहा है, ये जो स्केल यूज किया जा रहा है, मान लीजिए उसका आपका लिस्ट काउंट दे दिया 0.1 सेंटीमीटर, एरर कैसे आ जा रहा है, आई से जो ऑब्जर्व कर रहे हैं रीडिंग, वो हो सकता है यदि लिस्ट काउंट स्केल का छोटा होगा तो इट इज नॉट पॉसिबल टू एक्यूरेट रीडिंग, जैसे मान लीजिए आपका लिस्ट काउंट स्केल का दे दिया 0.1 सेंटीमीटर फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो यदि रिजल्ट मान लीजिए 4.2 सेंटीमीटर और 4.3 सेंटीमीटर के बीच में कहीं है, यानी मिनिमम कितना रीडिंग दे कर सकते, जैसे स्केल है आपका 15 सेंटीमीटर तो उसमें आप क्या देखते हो 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर मेजर कर सकता है, 1 से 2 के बीच में मेजर नहीं कर सकता है, तो लिस्ट काउंट क्या हो गया 1 मिलीमीटर, यानी स्केल से
आप मिनिमम कितना मेजरमेंट कर सकते हो? 0.1 सेंटीमीटर। हाँ, तो 0.1 से यानी कहने का मतलब कि 0.2, 0.3, 0.5, 0.6 इस तरह से मेजरमेंट कर सकता है। लेकिन यदि आपका जॉकी 4.2 से लेकर 4.3 के बीच में है तो वैल्यू नहीं मेजर कर पाएंगे हम। मेजर कर सकता है 4.2 कर सकता है, 4.3 कर सकता है, 4.4 कर सकता है, 4.5 कर सकता है, 4.6, क्योंकि लिस्ट काइंड 0.1 सेंटीमीटर बढ़ते जा रहा है। तो ऐसे समय पर क्या होगा? एरर देगा, क्योंकि एग्जैक्ट मेजरमेंट हम नहीं कर पाएंगे लेंथ का। तो ये एरर को कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? हाउ टू फाइंड आउट दिस एरर? राइट बेटे, समझ में आ रहा है पहले एरर क्यों आ गई? डिपेंड कर रहा है स्केल, स्केल के कारण एरर आ रहा है। एरर किसके कारण आ रहा है? एरर ड्यू टू स्केल, स्केल के डिस्काउंट के कारण एरर प्रोड्यूस हो रहा है। एरर ड्यू टू स्केल, आप डिस्काउंट कितना उसके हिसाब से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। राइट, तो हाउ टू मेजर एरर, एरर को कैसे मेजर करेंगे, ये चीज आप समझना है। तो अपना फॉर्मूला क्या आया था मीटर ब्रिज में? R अपॉन एक्स, एस अपॉन 100 माइनस एक्स। ठीक है बेटे, हमें रेजिस्टेंस, ये तो वैल्यू मालूम है S, ये वैल्यू तो मुझे मालूम है। ठीक है, आर रेजिस्टेंस का निकालना है कितना एरर है इनटू एक्स। ठीक है, अब ध्यान से देखो, फर्स्ट चैप्टर जो एलर्ट का है उसमें एरर कैलकुलेट करने के लिए दिया हुआ है। कोई भी पैरामीटर आप जब मेजर करते हैं, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल वाई इक्वल टू ए बी अपॉन सी, डेल वाई अपॉन आर रेशियो यदि निकालना रहे वहां पर फर्स्ट चैप्टर में, डेल वाई अपॉन वाई, डेल वाई एंड चेंज इन वैल्यू ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिनल लेंथ, यानी ये लेंथ एल है, अब इसका एरर निकालना है। तो डेल एल अपॉन एल, एल लेंथ में कितना एरर आया, डिवीजन का मतलब क्या होता है, एक मीटर में कितना एरर, इसका मतलब क्या हुआ, एक मीटर में कितना एरर। मान लो वाई लेंथ है, ये वाई लेंथ है, इफ आई एम राइटिंग डेल वाई अपॉन वाई, डिवीजन में हमेशा क्या है, वन वन में कैलकुलेट करते हैं। डेल वाई में एक वाई मीटर में डेल वाई एरर, एक मीटर में डेल वाई अपॉन वन। ठीक है, तो यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो गया, यानी वन में कैलकुलेट कर रहे हैं। तो डेल वाई अपॉन आर जो कैसे करेंगे, आप देखो ए का वैल्यू में मान लो एरर आ गया, ए बी सी तीनों में आएगा, जब एक में एरर आएगा तो सारे में वैल्यू में, तो ए को हम कैसे लिखेंगे, डेल ए अपॉन ए, वन में ए का कितना एरर, मान लेते डेल ए एरर आ गया। बी में उसी तरह से मान लीजिए डेल बी अपॉन बी, सारे एरर को ऐड करते चलेंगे जो एरर आएगा। उसी तरह से सी वैल्यू है, इसका भी जो एरर आएगा वन में कैलकुलेट कर लिए, तीनों क्वांटिटी को ऐड कर दिए। सेम यहाँ भी उसी तरह से कॉन्सेप्ट को लेंगे, सेम यहाँ भी देखो तो उसी तरह से कुछ है, एस इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 100 माइनस एक्स। तो एरर कितना हो गया, एरर रेशियो डेल आर अपॉन आर इक्वल टू एस को क्या लिख सकते हैं, डेल एस अपॉन एस, एक्स को क्या लिख सकते हैं, डेल एक्स अपॉन एक्स, 100 माइनस एक्स को डेल अपॉन 100 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 100 माइनस एक्स। एस क्या है, नोन क्वांटिटी है, नोन क्वांटिटी में तो एरर आने की कोई चांसेस नहीं, नोन रेजिस्टेंस है ना। एस क्या है, नोन रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे ये तो रेशियो ही जीरो हो जाएगा बिकॉज एस इज नोन को रेजिस्टेंस, बच गया सिर्फ दो। तो यहाँ पर क्या गया, डेल एक्स अपॉन एक्स, डेल अपॉन 100 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 100 माइनस एक्स। इस तरह से हम एरर को कैलकुलेट कर लेंगे।
डिवाइड मल्टीप्लाई से ज्यादा सब प्लस में है। हाँ एरर है ना, मैं बचकर में कुछ ऊपर नीचे जो भी सारे एरर कैलकुलेट किए ऐड कर दिए, हमको एरर फाइंड आउट करना। एक मीटर में हर चीज का आर वन में डेल आर अपॉन आर, डेल एस अपॉन एस, ये तो एस नोन है इसलिए जीरो हो गया। फिर एक्स लेंथ जो एक्स मेजर किए हैं ये लेंथ एक्स उसमें एरर आएगा, तो डेल एक्स अपॉन एक्स हंड्रेड माइनस एक्स वाला में एरर आएगा, हंड्रेड माइनस एक्स अपॉन डेल हंड्रेड माइनस एक्स अपॉन हंड्रेड माइनस एक्स कर दिए, राइट। तो इस तरह से मेरा फॉर्मूला क्या डेवलप हो गया, जो रेजिस्टेंस में एरर आएगा ड्यू टू स्केल रीडिंग के कारण, वो इस तरह से हम लोग रेजिस्टेंस डेल आर कैलकुलेट करेंगे। आर का वैल्यू दिया रहेगा, एक देख लेते हैं इसी पर प्रॉब्लम कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर आ जाए। ठीक है बेटे, ये क्वेश्चन शायद आई टी एडवांस में भी पूछ चुका है 14 या 15 में। ठीक है बताऊं मैं ऊपर से, जैसे क्या दिया हुआ था, ये आर ओम इसके बीच में लगा हुआ है, इसके बीच में 90 ओम नॉन डिफ्लेक्शन 40 सेंटीमीटर पर, ये 60 सेंटीमीटर। ठीक है तो पहले तो हो गया फाइंड द वैल्यू ऑफ आर इफ द स्केल यूज मेजर 1 मिलीमीटर, लीड काउंट दिया हुआ है 1 मिलीमीटर, इस जो स्केल यूज करेंगे उसका लीड काउंट क्या दिया हुआ है 1 मिलीमीटर, सेंटीमीटर में कितना हो गया 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर लीड काउंट हो गया। ठीक है यानी यहां पर 1 मीटर यानी 1 सेंटीमीटर में 0.1 का एरर आ सकता है, 0.1 का एरर आ सकता है, एल लेंथ होगा तो एल इंटू 0.1। ठीक है चलो अभी देखते हैं, इसमें कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ आर इफ द लीस्ट काउंट ऑफ स्केल इज 1 mm, 1 mm। ठीक है यूज करें कॉन्सेप्ट जो सीखे थे उसी तरीके से, ये मान लेते हैं इसको पहले जनरलाइज एल, ये हो गया 100 माइनस एल, पहले 40/60 रख देंगे कोई दिक्कत नहीं, 40/60 ही रख देंगे, क्या आ गया अपना आर अपॉन 40, 90/60, 90/60। ठीक है बेटे तो ये हो गया, व्हाट इज दी आर, कटम कुटी मारिए इधर, 9/6 × 40 जो कट रहा कट, 3 × 3 = 3 ये 20, ये कितना आ गया 600, ये तो एक्यूरेट वैल्यू आ गया आर का, क्योंकि डे कितना आया बेटे 60 क्योंकि डेल आर अपॉन आर था ना, आर का वैल्यू ऐसे भी कैलकुलेट करेंगे तभी तो होगा। अब यूज कर ले फॉर्मूला जो अपने लास्ट में ड्राइव किए थे, डेल आर अपॉन आर, क्योंकि आंसर दिया रहेगा इस तरह से जैसे 6.something, 6.like that। ठीक है तो डेल आर अपॉन आर इक्वल टू अपना आ गया था, ये मान लेते यदि एल लेंथ है तो डेल एल
अपॉन ओरिजिनल लेंथ ठीक प्लस 100 माइनस एल अपॉन ये तो डेल हो गया ना हाँ अपॉन 100 माइनस एल इसी तरह का फॉर्मूला बनेगा। यदि एल वहाँ एक्स कंसीडर किए थे कोई दिक्कत नहीं, एक्स या एल जो भी रखना है कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा। आप चले वैल्यू को रख लें जो जो वैल्यू दिया हुआ है, तो ये तो डेल आर अपॉन आर अभी इधर रहने देते हैं ठीक है। ये एल कितना दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, एल कितना दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर ठीक है। लीस्ट काउंट कितना है 0.1, 40 सेंटीमीटर मेजर करने में डेल आर कितना चेंज होगा 0.1 सेंटीमीटर, 40 पॉइंट क्या होगा 40 दिया है तो 40.1 जो भी एरर आएगा 0.1 का ही आ सकता है, 0.1 का ही एरर आ सकता है 40 आप तो या तो 39.99 आपका आ जाए या तो 39.9 हो सकता है या 40.1 हो सकता है, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा ओनली 0.1 का 40 को मेजरमेंट करने, तो इसलिए यहाँ 0.1 लिख दिए राइट बेटे। डेल डेल एल प्लस नीचे में कितना है 60 ठीक, अब उसी तरह से 60 को मेजर करने में कितना एरर आ सकता है 0.1 का ही है क्योंकि डिस्काउंट 0.1 दिया है डेल आर, ये डेल 100 माइनस एल ये भी 0.1 आ गया। अब इसको 100 ये डेसिमल हटा दिए, ये आर कैलकुलेट कर लिए हैं या तो कॉमन ले लो 100 कितना आ जाएगा 1/200 कॉमन ले लेते हैं तो 1/2 प्लस 1/3 जो कि बैठे ठीक है 1/200 ले लिए तो एलसीएम ले लो 1/200 6 और 2 3 जा 3 2 जा 5 5/6 इंटू 200 और इधर से आर 60 कैलकुलेट किया है आर उधर चला जाएगा इंटू 60 ये करके ये 10 ठीक है। देख लो कैलकुलेशन कुछ गड़बड़ तो नहीं जा रहा 200 ऊपर क्यों ओह नीचे नीचे हाँ ये नीचे इंटू 1/200 एक चुना इसे हो गया 5 × 20 एंड 0.25 ये ना 1/4 आया 0.25 तो अपना आंसर क्या हो जाएगा एरर कितना हो गया डेल आर आ गया 0.25 रीडिंग एक्चुअल में 60 था तो 60.25 हो प्लस माइनस 25 लिख सकते हैं प्लस माइनस 0.25 तो इस तरह के एरर से प्रॉब्लम आ सकते हैं। ये अभी पिछला जो निकाले थे ना अच्छा 40 है अब लेंथ कितना है डिस्काउंट एम पॉइंट वन का एरर हो सकता है ना कैसे बताया कि 3.1 और 3.2 पीछे में ना प्रॉब्लम कर रहा था एरर कितना मैक्सिमम आ सकता है मैक्सिमम एरर 0.1 का हो सकता है यानी कि ऊपर डायरेक्ट लिस्ट काउंट भी हाँ डायरेक्ट वही लिख ही रहा है वही लिख रहा है हाँ लिस्ट काउंट ही लिख रहा है लिस्ट काउंट ही लिख रहा है डेल आर है ना डेल का मतलब चेंज इन लेंथ चेंज इन लेंथ कितना आपको एरर आया लेंथ में जो मेजर किए जो ये 40 वाला मेजर किए उसमें कितना एरर आया डेल का मतलब यहाँ पर एरर से रिलेटेड है एरर कितना आया तो 0.1 आ सकता है मैक्सिमम दूसरा लेंथ मेजर करेंगे उसमें मैक्सिमम 0.1 आ सकता है दोनों को वैल्यू रख के निकाल लेंगे। आपके यही जानने देते हैं कल जाते जाते एक देखेंगे गैल्वेनोमीटर और वोल्ट मीटर का उसके बाद चैप्टर क्लोज उसके बाद कैपेसिटेंस वाला हम लोग करेंगे।